अगर आप घर में लीची के पौधे ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप घर में लीची के पौधे किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में। लीची के पौधे के लिए किस तरीके से मिट्टी तैयार करना है, इस पौधे को किस तरीके से फंगस और पेस्ट से बचाना है, इस पौधे को कौन कौन सा खाद देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पौधे के बारे में। लीची का पौधा जब भी आप पॉट में ग्रो करें तो हमेशा सीड के बदले ग्राफ्टिंग या फिर लेयरिंग यानी कलम किया हुआ पौधा हमेशा चुनें, क्योंकि सीड से ग्रो किए हुए पौधे में अच्छे क्वालिटी के लीची नहीं आते और लीची आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए आप कलम या फिर ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा हमेशा पॉट में ग्रो करें। इसके साथ साथ आप वैरायटी का भी ध्यान रखें। एक अच्छा वैरायटी के पौधे में ही अच्छा फ्रूटिंग होता है, इसीलिए आप एक अच्छा वैरायटी ग्रो करें। यहाँ पर आप जो मेरा पौधा देख रहे हैं ये एक सीडलेस वैरायटी का पौधा है जिसको मैं यहाँ पर ग्रो करने वाला हूँ। आप बात करते हैं पॉट के बारे में। लीची के लिए आप हमेशा कम से कम एक 12 इंच का पॉट लीजिए। अगर इससे बड़े पॉट में आप ग्रो करेंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं यहाँ पर अपने पौधे को सीमेंट के बैग में ग्रो कर रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि सीमेंट के बैग से किस तरीके से ग्रो बैग बनाना है तो इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना। अब हम बात करते हैं पॉटिंग मिक्स के बारे में। लीची के लिए एक अच्छा पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप 40% गार्डन सॉयल और उसके साथ 40% कंपोस्ट और 20% कोकोपीट अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इससे आपका एक बहुत ही अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाएगा लीची के पौधे के लिए, और इस पॉटिंग मिक्स में आप अपने लीची के पौधे को ग्रो कीजिए। जब आप पॉट में मिट्टी डालेंगे तो हमेशा मिट्टी को थोड़ा सा प्रेशर देके अच्छी तरीके से प्रेस करके पॉट में डालें। इससे सारे एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएंगे और आपका पौधा मिट्टी के साथ अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा रिपोर्टिंग का काम अब कंप्लीट हो चुका है और मैंने अपने पौधे में भरपूर पानी दे दिया है। रिपोर्टिंग करने के बाद आप हमेशा भरपूर पानी दीजिए, इससे आपके पौधे का ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाएगा। आप बात करते हैं लीची के पौधे का केयर का। सबसे पहला जो इसका केयर है, आप अपने पौधे के मिट्टी को कभी भी सूखने ना दें। जब भी मिट्टी का ऊपर वाला हिस्सा ड्राई होने लगे तब आप मिट्टी में भरपूर पानी दे दें। इस तरीके से अगर आप पानी देंगे तो पौधे का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। आप बात करते हैं सनलाइट के बारे में। लीची के पौधे को भरपूर धूप चाहिए, लेकिन लीची के पौधे को गर्मी के दिनों में दोपहर के तेज़ धूप से बचाना चाहिए। अगर आप आपके पौधे को दोपहर के तेज़ धूप से बचा नहीं सकते तो आप आपके पौधे को सुबह और शाम भरपूर पानी से स्प्रे कीजिए। इससे आपके पौधे का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा, और साल के बाकी महीने अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो आपके पौधे का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। आप बात करते हैं पेस्टिसाइड और फंगीसाइड की। लीची के पौधे में काफ़ी सारा पेस्ट का अटैक होता है, इसीलिए आप हर 7 दिन में एक बार आपके पौधे में नीम ऑयल स्प्रे करना मत भूलिएगा। इससे सारे पेस्ट आपके पौधे से दूर रहेंगे, और इसके साथ साथ हर 10 से 15 दिन में एक बार आपके पौधे में फंगीसाइड ज़रूर स्प्रे कीजिए। इससे आपके पौधे में फंगस अटैक होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। अब अगर बात करें खाद की, तो मैंने पहले ही इस चैनल पे एक ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइज़र का वीडियो दे रखा है। अगर आप उस वीडियो को देख के ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइज़र बनाते हैं और आपके पौधे में यूज़ करते हैं तो आपके पौधे में दूसरा कोई खाद देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपके पौधे का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा
और इसके साथ साथ आपके पौधे में भरपूर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगा। उस खाद का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा। यही था आज का वीडियो, आप लीची के पौधे को घर पर किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।